नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गियर क्या होता है और यह कितने टाइप्स का होता है। दोस्तों, गियर सिस्टम आजकल टेक्नोलॉजी के लगभग हर क्षेत्र में यूज होता है, वो चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या एरोस्पेस इंडस्ट्री हो या फिर उद्योग क्षेत्र हो। गियर टेक्निकल फील्ड का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। आप चाहे किसी व्हीकल का यूज कर रहे हो या फिर किसी इंडस्ट्रियल मशीन का यूज कर रहे हो, गियर उन सभी में कोई ना कोई लीड रोल में आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए इस वीडियो में हम गियर के डिफरेंट टाइप्स, उसकी वर्किंग और उसके यूज के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो उन सभी भाई लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है जो टेक्नोलॉजी के की इस फील्ड में वर्किंग करते हैं और गियर सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गियर क्या है। गियर एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो हमारे व्हीकल या किसी भी मशीन की स्पीड और टॉर्क को इंक्रीज करने में मदद करता है। इसके मदद से हम अपने व्हीकल एंड मशीन की स्पीड और टॉर्क को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअल में गियर एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है जो एक दातेदार बेलनकार या रोलर के आकार में कंपोनेंट होता है। वैसे तो दोस्तों, पावर ट्रांसमिशन डिवाइस और भी काफ़ी सारे हैं, यानी कि काफ़ी टाइप्स के हैं, जैसे कि बेल ड्राइव, चेन ड्राइव, रोप ड्राइव, इटिस। लेकिन गियर सिस्टम का मेन एडवांटेज यह है कि इसमें ड्राइविंग और ड्रिविंग कंपोनेंट के बीच में लगभग नहीं के बराबर फिसलन होता है। इसलिए गियर का यूज टेक्निकल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गियर को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, गियर को उसके टीथ की डिजाइन, उसके मॉडल या डायरेक्शन ऑफ मोशन ट्रांसफर के अनुसार अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में इनको टीथ की डिजाइन के अनुसार क्लासिफाइड किया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गियर की, यानी कि गियर कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो अभी मार्केट में गियर काफ़ी टाइप्स के देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल कुछ मेन टाइप्स के गियर के बारे में ही बात करूँगा, जैसे कि स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर, वॉर्म गियर, प्लेनेटरी गियर्स एंड रॉक एंड पिनियन गियर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेयर गियर की। स्पर गियर आमतौर पर सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला गियर्स है, जिसका यूज पैरेलल शॉक को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये गियर एक सिंपल डिजाइन का होता है। इस गियर में जो टीथ कटे होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। स्पेयर गियर की वर्किंग काफ़ी सिंपल होती है, क्योंकि जब एक स्पेयर गियर को दूसरे गियर के साथ मेस करने पर एक गियर के टीथ दूसरे के टीथ के बीच में फिट हो जाते हैं, और जब एक गियर को घुमाया जाता है तो दूसरा गियर भी घूमने लगता है। एंड स्पेयर गियर का यूज काफ़ी सारी जगह पर किया जाता है, जैसे कि पावर ट्रांसमिशन, वॉच मशीन, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड रोबोटिक वगैरह में। अब बात करते हैं हेलिकल गियर्स के बारे में। हेलिकल गियर एक ऐसा गियर है जिसका यूज अधिकतर पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। इसमें जो टीथ कटे होते हैं वो हेलिकल शेप में होते हैं, जिससे नॉइज और वाइब्रेशन को कम किया जा सकता है। हेलिकल गियर का यूज अधिकतर हाई लोड और हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। अगर बात करें इसकी वर्किंग की, तो हेलिकल गियर की वर्किंग काफ़ी सिंपल होती है। जब एक हेलिकल गियर को दूसरे के साथ मेस किया जाता है तो इसके जो टीथ होते हैं वो हेलिकल शेप में होने की वजह से एक गियर को घुमाने पर दूसरे गियर भी घूमने लगता है। एंड हेलिकल गियर के टूथ एंगल को पिच एंगल भी कहा जाता है। एंड इस एंगल के कारण हेलिकल गियर का ट्रांसमिशन रेशियो और ट्रक ट्रांसमिशन काफ़ी हद तक अच्छा होता है। हेलिकल गियर का भी यूज स्पर गियर की तरह कई जगहों पर किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मशीन टूल्स, पावर जनरेशन एंड रोबोटिक्स वगैरह में। अब बात करते हैं बेवल गियर के बारे में। बेवल गियर एक ऐसा गियर है जो अधिकतर दो शॉक को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और इसमें जो टीथ बने होते हैं वो शंक्वाकार के आकार में होते हैं। बेवल गियर का यूज अधिकतर 90 डिग्री के एंगल में पावर ट्रांसमिशन और मोशन कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। एंड इसके जो टीथ होते हैं वो शंक्वाकार शेप में होते हैं, जिसे टर्क और मोशन को दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसमिट किया जाता है।
बेवल गियर के टूथ एंगल को पिच एंगल कहा जाता है एंड इसी एंगल के कारण बेवल गियर का ट्रांसमिशन रेशियो और ट्रक ट्रांसमिशन फाइंड आउट किया जाता है। बेवल गियर का यूज काफ़ी सारी जगह पर किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मशीन टूल्स, पावर ट्रांसमिशन एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री। अब बात करते हैं रॉक एंड पिनियन गियर की। तो दोस्तों, रॉक एंड पिनियन गियर एक ऐसा गियर है जो मोशन और टर्क को एक दिशा में ट्रांसमिट करता है। इसमें रैक के ऊपर फ्लैट सरफेस होती है जिस पर टीथ बने होते हैं, और दूसरी तरफ पिनियन गियर होता है जिसमें टीथ बने होते हैं। जब पिनियन गियर को रैक के साथ मेस किया जाता है तो पिनियन गियर को घुमाने से रैक भी घूमने लगता है। इसमें रैक की जगह पर बार गियर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड दोस्तों, रैक और पिनियन गियर का यूज अधिकतर स्टीयरिंग सिस्टम और लीनियर मोशन कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। एंड इसके अलावा पिनियन गियर के साइज और नंबर ऑफ टीथ के कारण रैक और पिनियन गियर का ट्रांसमिशन रेशियो और टर्क ट्रांसमिशन अच्छा होता है। रैक एंड पिनियन गियर का यूज आप लोगों को अधिकतर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रोबोटिक्स, लीनियर एक्चुएटर, सीएनसी मशीन वगैरह में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं वॉर्म गियर की। वॉर्म गियर एक ऐसा गियर है जिसका यूज ज़्यादातर वहाँ किया जाता है जहाँ पर दो शाफ्ट आपस में क्रॉस करते हैं। इसमें एक शाफ्ट पर स्पाइरल शेप स्क्रू और दूसरे शाफ्ट पर मेसिंग व्हील लगी होती है। इसमें स्क्रू का पिच डायमीटर व्हील से ज़्यादा होता है, जिससे वह एक रेजुलेशन के दौरान व्हील के सिर्फ एक टूथ को ही टच करता है और इस तरह से मोशन ट्रांसमिट होता है। वॉर्म गियर का यूज ज़्यादातर हाई टॉर्क एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। एंड इसके अलावा स्क्रू के एंगल के कारण वॉर्म गियर का ट्रांसमिशन रेशियो और टॉर्क ट्रांसमिशन अच्छा होता है। वॉर्म गियर का यूज कई जगहों पर किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मशीन टूल्स, लिफ्टिंग एप्लीकेशन एंड कन्वेयर सिस्टम वगैरह में। अब बात करते हैं प्लेनेटरी गियर के बारे में। प्लेनेटरी गियर एक ऐसा गियर है जिसमें एक सेंट्रल गियर के साथ कई छोटे छोटे गियर लगे होते हैं, जिसे प्लेनेट गियर कहा जाता है, और इन प्लेनेट गियर्स को एक रिंग गियर से मेस किया जाता है। इस तरह से प्लेनेटरी गियर सिस्टम में मल्टीपल गियर्स को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मोशन और टर्क को एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट किया जाता है। प्लेनेटरी गियर का यूज ज़्यादातर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और औद्योगिक अनुप्रयोग में किया जाता है। प्लेनेटरी गियर की वर्किंग काफ़ी सिंपल होती है। जब सन गियर को प्लेनेट गियर के साथ मेस किया जाता है तो प्लेनेट्स गियर सन गियर के चारों तरफ घूमने लगते हैं। इसके अलावा प्लेनेट्स गियर को रिंग गियर से भी मेस किया जाता है, जिसे ये अपना एक्सिस के साथ रोटेट करते हुए सन गियर्स को भी घुमाते हैं। इसके अलावा प्लेनेटरी गियर्स का ट्रांसमिशन रेशियो और ट्रक ट्रांसमिशन सन गियर के साइज एंड नंबर ऑफ प्लेनेट गियर एंड रिंग गियर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। प्लेनेटरी गियर का यूज बहुत जगहों पर किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एरोस्पेस इंडस्ट्री, विंड और टर्बाइन वगैरह में। तो दोस्तों, ये थी गियर से रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।